हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, संडे ओवरव्यू है। तो जो पीछे वाला संडे था वो मेरा मिस हो गया था। सब कुछ हौच पौच हो रहा है क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं और बहुत सारे घर के काम हैं, साफ़ सफाई है, तो सब कुछ लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने इस बार थोड़ा टाइम निकाला है। और वैसे तो सभी काम हो गए हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लांट आया है और वो भी 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। थोड़ी उसकी लीफ देखो सूख गई है। ये आंवला का पौधा है, अभी छोटा है और मुझे मिला है ये मेरे मामा जी के यहाँ से, और इसको 2-3 दिन हो गए हैं तो मेरा टाइम नहीं लगा था। तो आज थोड़ा टाइम निकाल के इसको मैं लगा देती हूँ। सूखेगा तो नहीं, हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से इसकी मिट्टी भी टाइट हो रही थी तो पानी नहीं गया। मिट्टी गीली होती तो ये इतना नहीं सूखता, इसकी लीफ ऐसी नहीं सूखती। तो आज मैं इस प्लांट को लगाऊंगी। रीठे का प्लांट तो मैंने 2-3 महीने पहले लगाया ये था, लेकिन अब आंवले का भी हो गया है। वो भी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है और ये भी चल जाएगा। 1-2 दिन में इसको पानी मिलेगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, न्यू लीफ निकलेंगी। वैसे भी आपने देखा होगा अपने गार्डन में पतझड़ चल रहा है, लीफ येलो हो रही है और न्यू लीफ आ रही है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। रीठा, आंवला, ये प्लांट तो मेरे पास हो गया है और अब मैं सिकाकाई का भी लेकर के आऊँगी और एक तेज पत्ते का भी लेकर के आऊँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये प्लांट्स। आपको तो पता ही है किन किन चीज़ों में ये सब यूज होते हैं। ऐसे तो गार्डन में मेरे यहाँ बहुत सारे प्लांट हैं। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना खास खास जो इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं उन्हें भी लगाया जाए, क्योंकि अब मैं गार्डनिंग अपने टेरिस पर भी स्टार्ट करूँगी और वहाँ इस तरह के ही प्लांट मैं रखूँगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉट हैं ऊपर। लेमन के भी मैंने कुछ प्लांट मंगाए हैं। एक लेमन का मेरे मामा जी ने दिया है, हाइब्रिड है, और बोल रहे थे कि छोटे से ही प्लांट पर बहुत सारे लेमन आने लगेंगे। टेरिस पर मैं कोई इस तरह के प्लांट नहीं रखूंगी, फ्लावरिंग के या ऐसे भी, मैं बस ऊपर काम काम के ही प्लांट्स रखूंगी। और चलिए, ये जो मैंने प्लांट लगाया है इसकी सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मैंने मिट्टी यूज की है वो बहुत रेतली है, और जो मेरे पास खाद था हमेशा मैं डालती हूँ वही मैंने इसमें यूज किया है। और फिलहाल कोई भी खाद यूज कर सकते हैं। अभी मैंने लीफ का ही खाद डाला है क्योंकि अभी प्लांट भी बहुत छोटा है, और जब मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी तो मैं इसमें गोबर का खाद यूज करूँगी, क्योंकि छत पे तो मैं कैसा भी खाद यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं नीचे नहीं करती हूँ क्योंकि मार्बल पर काफ़ी निशान आ गए थे एक बार। और चलो अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। मैं 3 दिन के लिए अपने मामा जी के यहाँ गई थी, वहाँ फंक्शन था, और ये देखिए अभी गर्मी इतनी है कि मेरे प्लांट्स देख कर आप बता सकते हो कि कितनी तेज़ धूप होगी। मैं जिस दिन गई थी इनको 2-2 बार पानी से भर के गई थी, और तीसरे दिन शाम को मैं वापस आ गई थी, तो आप मेरे प्लांट्स देख सकते हैं। ये तो चलो सॉफ्ट प्लांट हैं, इनको तो बोल भी सकते हैं कि 1-2 दिन पानी ना मिले तो ये मुरझा जाएंगे, लेकिन गुलाब का प्लांट तो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, वो भी इस तरह से मुरझा गया, समझ से बाहर है मेरे तो ये बात। ये देखिए कैसे भुरभुर हो रही है इनकी लीफ, और रात में ही मैंने आते ही सबसे पहले इनको पानी दिया, और ये शांति का पौधा है और देखो इसकी भी सारी लीफ येलो होने लगी थी, और अब जैसे मैंने पानी दिया है तो काफ़ी राहत है इन प्लांटों में। 3 दिन में ही ऐसे लगने लगा है मेरा गार्डन कि पता नहीं बरसों से इनमें पानी नहीं डला है, और ये सूखने पर हैं और उनकी कोई केयर भी नहीं हो रही है। कोई देखेगा तो ये बोलेगा ये कितने केयरलेस हैं, और देखो सभी प्लांट्स की लीफ येलो हो रही है, और ये देखिए सदाबहार कैसे पेंसिल की तरह हो गए हैं लीफ जो हैं, सब फोल्ड हो गए हैं। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये जो पॉट है बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता था, और ये देखिए मेरी टर्टल वाइन एकदम येलो हो गई है, सूख गई है, इतनी ग्रीन थी कि बहुत ही सुंदर लगती थी। मैं हर वीडियो में आपको ये भी शेयर करती थी। और मैंने स्टार्टिंग की है हरे धनिए की, मैंने सभी प्लांट्सों में गुड़ाई करके हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया यानी कि जो किचन में धनिया होता है उसकी सीड्स डाल दी हैं, जो हम किचन में यूज करते हैं,
और ये देखिए मेरे एक ही हफ्ते का ये धनिया है और इस तरह से उगा है। मैंने ये वीडियो अभी शेयर की थी तो बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपने किस तरह से उगाया है, प्लीज़ हमें भी बताइए, क्योंकि किचन का जो धनिया होता है हमारा तो उगता ही नहीं है। हम पैकेट मंगाते हैं हाईब्रिड के और उसमें इतनी खुशबू नहीं होती है जिसमें कि जो देसी धनिया होता है अपने किचन का हम उगाते हैं तो उसमें बहुत खुशबू होती है, हाइब्रिड में खुशबू नहीं होती। काफ़ी बड़ा तो वो हो जाता है लेकिन वो बात नहीं होती है। तो आज मैं दूसरे पॉट में आपको धनिया लगा करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। ये देखिए मेरी किचन का ही धनिया है और बस थोड़ा सा ही लेना है, बहुत सारा नहीं लेना है। तो मैंने इसे कपड़े पे इसलिए डाला है क्योंकि फर्श पर अगर डालकर मैं बेलन ऐसे चलाती हूँ तो बहुत चूरा सा हो जाता है। हमें ये धनिया बस दो ही पीस में करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है। और देखिए ये दो पीस में हो गया। बोने को तो हम साबुत भी बो सकते हैं लेकिन वो काफ़ी टाइम लेता है, अगर हम ऐसे करके बोते हैं तो उगने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही भुरभुरी रेतली मिट्टी तैयार की है, इसमें मैंने 10% रेत लिया है और 5% मैंने इसमें अपने ही गार्डन की मिट्टी ली है, और खाद वही 2-3 मुट्ठी जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, और कोई फंजीसाइड मैंने इसमें नहीं डाला है, अभी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपको ये धनिया फैलाना है बहुत ही अच्छे से, एक जगह इकट्ठा नहीं डालना है। और जब मैं इस धनिए को फैला रही थी उससे पहले मैंने थोड़ी मिट्टी निकाल ली थी, क्योंकि धनिया फैलाने के बाद हमें इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से डालनी है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं धनिया तो डाल देते हैं फिर पानी डालते हैं तो धनिया एक जगह इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि धनिए में बहुत लाइट वेट होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ी मिट्टी डालकर ये धनिया दबाना है ताकि पानी डालने पर ये एक जगह इकट्ठा ना हो। ये हमने मिट्टी को अच्छे से फैला लिया है और आप देख रहे हैं धनिया दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हम फिलहाल इसमें आज सिर्फ पानी का छिड़काव करेंगे, पानी डालना नहीं है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर कल हम इसमें पानी डालेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि नमी से ही धनिया उगता है। देखिए मैंने एक हफ्ते ही पहले इसी तरह से ये धनिया उगाया था और देखो कितने अच्छे से उग रहा है, और सीड्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी, अभी लीफ के ऊपर ही रखी हुई है, पता नहीं हटी नहीं रही है। और ये मेरे कुछ हेल्दी प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो इसमें एक ही ब्रांच थी तो मैंने उसकी कटिंग कर दी, 1-1.5 महीना हो गया होगा, और ये देखिए इसमें 2 ब्रांच निकल गई हैं और लीव भी बहुत सुंदर और हेल्दी निकल रही हैं। ये क्रोटन का है और आप देख रहे होंगे कि ये कितना खाली खाली सा था, एक ही था, और मैंने इसकी कटिंग कर करके देखो कितना बूसी बूके की तरह बना दिया है। और बहुत सारी कटिंग इसमें से मैंने तैयार भी की हैं जो कि मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए मेरा प्यारा सा प्लांट, इसमें 2 नए प्लांट निकले हैं, और अभी तो मैं इन्हें शिफ्ट नहीं करूँगी क्योंकि त्यौहार है, तो त्यौहार के बाद मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी और सुंदर से इनके लिए पॉट भी लेकर के आऊँगी। और देखिए कितने हेल्दी प्लांट निकले हैं, और इन प्लांट में अभी ग्रोथ बहुत अच्छे से चली है, और देखो न्यू लीफ निकल रही है हर तीसरे दिन, ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। और ये है मेरा जेड प्लांट जिसकी मुझे कटिंग करनी है, मैंने बहुत सुंदर सुंदर सी टोपियारी तैयार की हैं लेकिन अब इनकी कटिंग होनी है क्योंकि ये बहुत बढ़ चुके हैं और अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं। Thank you.
देखिए कुछ धनिया बच गया था तो मैंने इधर उधर पॉट में डाल दिया था, तो देखिए इनमें भी बहुत आपको मेरा संडे ओवरव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलें और लाइक भी करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।